बिजली के तारों में फंसकर पलटा रथ, यात्रा रोकी। आयोजकों ने लापरवाही पर मुख्यमंत्री को किया ट्वीट। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अव्यवस्थाओं का शिकार हो गई। लाठी मोहाल तिराहे के पास से मंगलवार रात निकल रही यात्रा का रथ बिजली की एरियल बंच कंडक्टर में फंस गया। रथ पलटकर टूट गया, इसकी वजह से यात्रा 20 मिनट तक रुकी रही। झूलती लाइन में रथ फंसने से आयोजकों में नाराजगी रही। उन्होंने मुख्यमंत्री व UPPCL चेयरमैन को ट्वीट कर इसकी शिकायत की है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा लाठी मोहाल तिराहे के पास पहुंची तो दौसर वैश्य मंडल की झांकी बिजली के तारों में फंस गई और रथ पलट गया। बैठक के बावजूद अधिकारियों ने नहीं किया निरीक्षण। लाठी मोहाल व्यापार मंडल के अध्यक्ष दिनेश दीक्षित ने बताया कि रथ यात्रा से पहले आयोजकों ने जिला प्रशासन, नगर निगम व कैस्को अधिकारियों के साथ बैठक की थी। रथ यात्रा का मार्ग का निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं को दूर करने को भी कहा था। कैस्को को लिखकर भी दिया गया था, इसके बावजूद कोई कार्य नहीं किया गया। अधिकारियों ने रथ यात्रा के मार्ग का निरीक्षण तक नहीं किया। लोगों ने बताया लापरवाही का नतीजा। अरुण तिवारी, हरीश जैन, शिवेंद्र गुप्ता ने बताया कि लापरवाही का नतीजा है जो रथ पलट गया। लाठी मोहाल व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर मांग की है कि लापरवाही की जांच करा दोषियों पर कार्रवाई की जाए। हटिया होली मेले के संयोजक ज्ञानेंद्र विश्नोई ने बताया कि होली मेले से पहले भी इस स्थान पर तार चिन्हित किए गए थे। अधिकारियों ने खंभा लगा इसे ऊंचा कराने की बात कही थी। यह काम अभी तक नहीं कराया गया, जिसकी वजह से घटना हुई। कैस्को मीडिया प्रभारी ललित कृष्णा ने कहा कि अधिशासी अभियंता से घटना की जानकारी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।